हे गाइस, क्या इंडिया में वीपीएन ब्लॉक होने वाला है? क्या है ये खबर? कैसे सामने आई? बात करेंगे इसी वीडियो में डिटेल में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यार, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इंडियन गवर्नमेंट से ये निवेदन किया है, गुजारिश की है, एक अर्जी डाली है कि इंडिया में वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को ब्लॉक कर देना चाहिए या बैन कर देना चाहिए। कमेटी ने वीपीएन ब्लॉक करने के बहुत सारे रीजंस गिनाए हैं और कुछ सलाह भी दी है। जैसा कि इस कमेटी का ये मानना है कि वीपीएन सर्विसेज जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी वॉल्स को तोड़ते हैं और बहुत सारे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो वीपीएन की हेल्प से अलग अलग तरीकों से साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। कमेटी ने गवर्नमेंट को ये भी रिकमेंड किया है कि इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे कि वीपीएन को परमानेंटली ब्लॉक किया जा सके। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये कहा गया है कि वो अपनी ट्रैकिंग क्षमता यानी जो ट्रैक करने की उनकी कैपेबिलिटी है, सर्विलेंस की जो कैपेबिलिटी है, उसको और मजबूत बनाए जिससे कि वीपीएन और डार्क वेब पे जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ट्रैक किया जा सके। यार, एक रिपोर्ट की माने तो कमेटी ने होम मिनिस्ट्री को सलाह दी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ काम करे ताकि वीपीएन को आइडेंटिफाई किया जा सके और परमानेंटली ब्लॉक किया जा सके, और ऐसा करने के लिए वो सभी इंटरनेट प्रोवाइडर्स की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे कमेटी ने वीपीएन ब्लॉक को लेके गवर्नमेंट को ये कहा है कि सरकार को साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरीज भी बनानी चाहिए। यार, होम मिनिस्ट्री को ये भी सलाह दी गई है कि वो स्टेट पुलिस और एनफोर्समेंट एजेंसी को इतनी पावर दे कि वो किसी भी टाइप के साइबर क्राइम के लिए जरूरी कदम उठा सकें। वैसे यार, अभी तक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस सलाह अर्जी को लेकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। आपको बता दें कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वीपीएन का यूज़ करती हैं जिससे कि वो अपने नेटवर्क्स को और डिजिटल एसेट्स को हैकर से बचा पाएं। और यार, वीपीएन ने लॉकडाउन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैसे? क्योंकि यार, एम्प्लॉयज़ जो हैं इस टाइम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और जो हमारे होम इंटरनेट कनेक्शन होते हैं वो इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं होते, ऐसे में कंपनीज वीपीएन का यूज़ करती हैं। तो यार, वीपीएन की हेल्प से इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ों को भी एक्सेस कर पाते हैं जिनको किसी देश की गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो यार, अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये परमानेंटली बैन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने गवर्नमेंट को ऐसा करने को कहा है। देखते हैं गवर्नमेंट इसको लेके क्या स्टेप उठाती है। वैसे अगर वीपीएन बैन हुआ तो ये आपको कितना और कैसे इफेक्ट करेगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।